सूरज तो आज एक नंबर निकला है, मतलब बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख। गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मैं बहुत गुस्सा हो गई जगदीश से, तो मैं टेरेस पे आ गई क्योंकि हमारा वॉक पे जाने का प्लान था, लेकिन जगदीश उठे नहीं तो फिर मुझे टेरेस पे आना पड़ा और उसकी भी कीज़ नहीं मिल रहे थे, तो फिर बहुत सारे झमेले के बाद मुझे कीज़ मिले, तो मैं थोड़ा सा वॉक की यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, शायद इसमें सूरज नहीं आता। एक मिनट। सो हो गई हूँ मैं रेडी और हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, जगदीश ने भी कर लिया है और जगदीश की तबीयत थोड़ी सी नरम गरम शुरू है। हमको अभी जाना है, कहाँ जाना है हमको अभी जाना है? मंदिर। उसके बाद हम क्लिनिक को जाएंगे। बाई ने अब भी काम किया, बहुत लेट हो गया एक्चुअली, तो सब निकलेंगे। लेट इसलिए हुआ क्योंकि मैंने आज मेरे प्लांट्स थोड़े से जो इंडोर है वो अंदर लिए, ये रबर प्लांट और ये एरिका पाम और ये वाला एरिका पाम और काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं। सो मैं वो आपको दिखाऊंगी क्लिनिक से आने के बाद, क्योंकि इंडोर प्लांट अभी समर शुरू हो गया और यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा हीट रहती है, तो बाहर वो प्लांट ख़राब हो जाते हैं। इसलिए मैं थोड़े से जो इंडोर प्लांट है जो घर के अंदर भी रह सकते हैं उनको मैंने घर में ले लिया है, मतलब इंडोर ले लिया है। सो बाकी के तो बहुत सारे प्लांट है यार, मैंने अब भी सोचा यार कितने हैं, मतलब मेंटेनेंस भी उनको उतना ही लगता है और अगर अच्छे रहे तो अच्छा लगता है, अगर खराब होगा तो बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए देखूंगी मैं आज क्या क्या करना है। अभी तो मैंने थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज कर लिया है, मतलब जगदीश ने भी थोड़ी बहुत हेल्प की। अभी क्लिनिक से आने के बाद और करेंगे। और जगदीश चलो जल्दी, लेट हो गया। ठीक है तबीयत? हाँ बता दो सबको। अभी ठीक है। एक्चुअली ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा पुराना है और ऐसे केव्स में जाने जैसी फीलिंग क्या केव्स में ही है। शिव का मंदिर काफ़ी नीचे था और काफ़ी थोड़ा सा मुझे डर भी लग रहा था। वहाँ पे एक एग्जॉस्ट फैन था तो मैंने जगदीश को बोला अगर कुछ लगा तो मैं इसमें से निकल जाऊँगी, मतलब निकलूँगी तो नहीं लेकिन पता नहीं, बहुत ही अंदर था। अब हम ऐसे नीचे जा रहे थे, वहाँ पे वो मंदिर था और पर बहुत अच्छा और पुराना था। अगेन स्वीट पोटैटो इन द हाउस गाइज, ये मैंने जो मैं घी में किया है वो किया है और ये जगदीश खाएंगे, ये थोड़ा सा दूध बाद में जगदीश पियेंगे, अभी तो मैं कर्ड पीऊँगी क्योंकि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है और मीठी को भी बहुत पसंद है, तो अभी मैं पीऊँगी, ये दही खाऊँगी पीऊँगी क्या बोलते हैं, तो और जगदीश करेंगे नाश्ता। जगदीश कौन से सीरीज के पार्ट रह गए हैं जगदीश? हाँ लव हॉस्टल का, तो वो अभी देखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा निन्नी करेंगे, उसके बाद आज तो खाना बनाने करेंगे क्योंकि आज दोनों का फास्ट है, उसके बाद जाएंगे क्लिनिक। लेकिन जाने के पहले कुछ तो बनाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा नाश्ते का ही, मतलब फास्ट का ही। सो अभी थोड़ा नाश्ता करते हैं, अभी मुझे दही पीने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। आंटी है, उन्होंने इतने टेस्टी है, मैंने आते बराबर टेस्ट कर लिए, इतने है साबूदाने के वड़े है। वो आंटी से मैं आपको मिलाती हूँ, दो मिनट रुको, हम एक मंदिर में जा रहे हैं, अभी 9:45 हो रहे हैं। उस दिन महाशिवरात्रि थी इसलिए उन्होंने रात को हमें बोला कि आप आ सकते हो तो आ जाओ, ये मंदिर हमको पता नहीं था। सो हम लोग इनके साथ आ गए, उस दिन महाशिवरात्रि थी तो बहुत ही सुंदर है ये मंदिर। भगवान
भगवान शंकर के 12 शिवलिंग है जो अलग अलग जगहों पे है, लेकिन इस मंदिर की खासियत ये है कि इन्होंने 12 शिवलिंग इस एक ही मंदिर में पूरे किए हैं, जो मैं उनका नाम और वहाँ पे जो मंदिर किए हैं उनकी सजावट में पूरा दिखा रही हूँ। आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको 12 शिवलिंग यहीं पे दर्शन हो जाएंगे। और फिर हमने रात को आइसक्रीम खाई, बड़ा मज़ा आया। और फिर उस दिन 12 बजे तक जगना था, तो मुझे लगा क्यों ना पूरन का बैटर बनाया जाए, तो मुझे सुबह ज़्यादा परेशानी नहीं हो। आ गए हैं क्लिनिक से, सो अब हम एक नया शो लेकर आए हैं जो व्हाट इज़ इन जगदीश बैग। तो जगदीश अपनी बैग में जो जो है वो आपसे पूरा खुलासा करेंगे। तो अब हम नया शो स्टार्ट करने वाले हैं, व्हाट इज़ इन जगदीश बैग। बहुत दिनों से खराब हो गई थी, बारिश के कारण सब खराब हो गया था, तो मैंने आज धो के रखा। ओके, वो अभी मुहूर्त आज निकला था। हाँ, 2 महीने से आज मुहूर्त निकला। बारिश के बाद ठंडी का सीजन होके चला भी गया, अभी इसका मुहूर्त निकला। मेरे प्लांट्स कितने अच्छे दिख रहे, पहले वो देख लो। ये एक्सेसरी बेल्ट, जो बेल्ट उसका ही है। अलग से वॉलेट रहता है जिसमें जो अपनी जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, ये सब रखते हैं। और ये अपने बैग में, आधार कार्ड का फोटो देख के आप प्लीज जगदीश को जज ना करें, जगदीश बहुत अच्छे दिखते हैं। समझो अपना मेन वॉलेट चला गया, तो इसमें सब डेबिट कार्ड ये सब इम्पोर्टेंट रहना चाहिए। हमारे हॉस्पिटल की बुक जो बहुत जरूरी है, ये कुछ पासबुक एंड चेक बुक हमको कभी भी जरूरत पड़ सकती है, तो ये हमको हमेशा कैरी करने चाहिए। मेरे 2 बैंक में अकाउंट है, बैंक डिटेल भी बता दो। तो ये मैं हमेशा चेकबुक और पासबुक मेरे पास रखता हूँ, किसी ने भी अगर चेक मांगा तो जगदीश फट से चेक देते रहे, लो मेरे पास बहुत पैसा है। जगदीश के पास इतना अननेसेसरी होता है, इतना अननेसेसरी होता है कि मतलब मैं जगदीश को हमेशा बोलती थी, यार जगदीश कभी तो अपना थोड़ा सा बराबर कर लिया करो, कि बैग में जो अननेसेसरी वो निकाला करो, आपको ही वो बैग हेवी हो जाएगी। पर जगदीश तो जगदीश है, जो अननेसेसरी है वो रखो ही मत। ये 95 मास्क आज के जमाने में बहुत नेसेसरी चीज है। हालांकि कोरोना गया है, हाथी चला गया, सिर्फ पूछ बाकी है बस। लेकिन पूछ जाने तक है, आप एक बार जूम करके दिखाइए सबको। माय गॉड, ओके चलो थोड़ा सा ले ही लेते। ओके, वो आप बोलने की क्या जरूरत है, वो रख दो अंदर। हाँ, बस हो गया यार, वीडियो को बोर मत करो। अभी नियरली सब फिनिश हो गया, अभी फाइनली ये कल से मैं लेके जा सकता हूँ, सारी पैकिंग फिनिश हो गई। थैंक यू वेरी मच। कोई वीडियो उनकी वजह से बोर लगा तो आप मेरी वजह से इसको एक्साइटेड करके आप मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन जगदीश की वजह से आप इसको अनसब्सक्राइब ना करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। कैसी बनी जगदीश, खाया ही नहीं अभी तक, झूठे।